आईपीएल 2022 के शुरू होने में महज 2 दिन का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फैसले से सभी को हैरान कर दिया है। उन्होंने टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी सौंप दी है। धोनी ने खुद से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। वे आईपीएल के 15वें सीजन में बतौर खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। आपको बता दें, चैंपियन बनी चेन्नई सुपर किंग्स साल 2021 की 26 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ ही अपने विजय अभियान का शुरुआत करेगी वानखेड़े स्टेडियम से, लेकिन वहां पर कप्तानी धोनी नहीं बल्कि जडेजा करेंगे। टॉस के लिए धोनी नहीं बल्कि जडेजा आएंगे। सीएसके की तरफ से गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया साफ कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है और रविंद्र जडेजा को टीम की कमान सौंपने का फैसला किया है। जडेजा जो टीम से 2012 से ही जुड़े हुए हैं, उनको एक अहम सदस्य मानते हैं और उनको कप्तानी सौंपना उनके लिए भी गर्व की बात है। धोनी इस सीजन और इसके आगे भी चेन्नई का हिस्सा रहेंगे एज अ प्लेयर के रूप में। सीएसके ने इस बार आईपीएल नीलामी से पहले धोनी जडेजा समेत 4 खिलाड़ी को रिटेन किया था। जडेजा को फ्रेंचाइजीज ने 16 करोड़ रुपए में सबसे अधिक पैसे के साथ रिटेन किया था, लेकिन धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए में ही रिटेन किया गया। इससे बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि जडेजा को कप्तान बनाया जा सकता है। धोनी आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं, क्योंकि पहले रोहित शर्मा जिन्होंने 5 बार ट्रॉफी जिताई, और दूसरे हैं महेंद्र सिंह धोनी। उनके नेतृत्व में सीएसके ने साल 2010, 2011, 2018 और 2021 में 4 बार खिताब जीता। धोनी की अगुवाई में चेन्नई ने 121 मैच जीते हैं। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में। तो क्या दोस्तों, आपके नज़रिए से जडेजा का कप्तान बनाया जाना मोइन अली और जैसे कई बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में क्या टीम का सही फैसला है या नहीं, अपनी राय जोड़ दीजिएगा। और महेंद्र सिंह धोनी का अब कप्तानी का करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।